क्या हो जब अवैध गतिविधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो? ऐसे में सवाल यही उठता है, जब खाकी ही मददगार हो तो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां किस तरह से रुकेंगी? नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। प्रदेश की एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो पुलिसकर्मियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये दोनों पुलिस का जो कर्मचारी हैं वो ईआरवी यानी डायल 112 की गाड़ी पर तैनात थे और इनका काम था कि इमरजेंसी के समय लोगों को मदद जो है, पुलिस मदद जो है वो मुहैया कराना। लेकिन ये काम जो है वो कुछ और ही कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से यमुना क्षेत्र में रेत की अवैध माइनिंग होती है उसको ये दोनों पुलिस कर्मचारी संरक्षण दे रहे थे। ये खुलासा एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड में हुआ है, क्योंकि इस मामले में जो शिकायतकर्ता रहे हैं उन्होंने शिकायत दी थी कि ईआरवी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल उनसे जो है एक घूस की रकम की मांग कर रहे थे। और इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इन दोनों पुलिस कर्मचारियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पानीपत जिले के बापोली क्षेत्र में ये डायल 112 की जो गाड़ी है वो तैनात थी और यहाँ के इलाके में रेत की अवैध जो है खनन किया जा रहा था और इन्हीं रेत कारोबारियों से इस तरह से घूस जो है वो ली जा रही थी, क्योंकि ये जो कर्मचारी ईआरवी पर व्हीकल पर तैनात थे इनके द्वारा ये एक किस्म का मदद जो रेत कारोबारी को दी गई थी कि उनको सेफ पासिस दिया जाएगा। ये कहें कि डायल 112 की जो गाड़ी है वो लोगों को मदद पहुंचाने की बजाय ऐसे अवैध खनन में संलिप्त वाहनों को सेफ पासिस देने का काम कर रही थी। यहाँ से जो भी रेत के ट्रैक्टर ट्रोलियाँ या वाहन भरकर निकलते थे उनको ये एस्कोर्ट किया जाता था इस गाड़ी के जरिए। और जब इस खेल का खुलासा हुआ उसके बाद जो स्टेट जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है वो हरकत में आई और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए देर रात दो पुलिस कर्मचारियों को, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर है एक हेड कांस्टेबल है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में ये खुलासा जिस तरह से हुआ उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होता है कि पुलिस की एक टीम इस तरह की अवैध गतिविधियों को, अवैध माइनिंग को पकड़ने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ जो इस तरह से जो कर्मचारी तैनात हैं वो ऐसे लोगों को, ऐसे कामों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम नहीं रही।